मॉर्निंग बच्चों, आई एम राजेश सर। बच्चों, क्लास 3 सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर है एयर एंड वाटर, 3 चैप्टर का। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं एयर एंड वाटर के बारे में। तो सबसे पहले एयर के बारे में, तो बच्चों एयर का मतलब हुआ हवा, वायु, पवन, समीर, इनका अनेकों नाम है। जैसे बच्चों पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सभी को जीने के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है। वायु के बिना जीना असंभव है। तो बच्चों एयर जो है, वायु जो है, वायुमंडल में अनेकों गैसों का मिश्रण है। जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, आर्गन हुआ एवं प्रकार। तो बच्चों जैसे ले लीजिए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बच्चों वायुमंडल में 78% है। नंबर 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 21%। 3 नंबर आर्गन जो है 0.9% है। फोर में है अदर जो बच्चा। तो इतना हम आपको बच्चों एयर के बारे में बता दिया। अब बच्चों बरसात के दिनों में जो हवा चलती है उसे मानसून हवा कहते हैं। गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है उसे लू कहते हैं। इसी प्रकार जो बच्चों पूरब से पश्चिम की ओर जो हवा जाती है उसको पूर्वा हवा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जो आती है उसे पछुआ हवा कहते हैं। तो बच्चों एयर के बारे में हम आपको बता दें। अब प्राप्त करना है जल के बारे में। तो जल भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे फैक्ट्री हुआ, कल कारखाना हुआ, इन सभी में जल की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों के पीने के अलावा खेतों में फसल है, फसल की करना है या बगीचा में पानी पटाना है, इन सभी में जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। जल जो है, जल पीने के लिए हम लोगों को शुद्ध जल होना चाहिए। जैसे हम आपको बताते हैं आरओ का पानी हुआ, जिसे शुद्ध जल पीने से जो है सो हम लोगों का जो है सो स्वास्थ्य अच्छा होता है। उसी प्रकार जो है सो पशु है, पक्षी है, सभी के लिए जल महत्वपूर्ण है। तो केवल पकाने से, भोजन पका रहे हैं या कोई दूसरे भोजन के लिए, जैसे मजदूर हुआ, कोई खेती कर रहा है, तो उसके लिए भी जल अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों एयर एंड वाटर के बारे में हम आपको बताए हैं। तो बच्चों इसलिए जीने के लिए
एयर एंड वाटर हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसके आगे जो टॉपिक होगा जो पॉल्यूशन के बारे में, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।